नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएँ कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की लगी मांग। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल 1895 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के आने के बाद से प्रक्रिया अटकी हुई है। ऐसे में प्रतियोगियों ने सीएम से पत्र लेकर के परीक्षा दोबारा कराने की बात की मांग की है। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद से प्रभावित है प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का इंतजार जो है कि जल्दी भर्ती हो वह अभी चली रहा है और प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो पा रही है। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी परीक्षा का परिणाम भी हो गया है जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को विभिन्न विभागों के स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इसमें केंद्रीय सचिव भारतीय विदेश सेवा एवं आर्म फोर्ड हेडक्वार्टर रेलवे बोर्ड सचिवालय चुनाव आयोग के स्टेनोग्राफर के पद का जो रिजल्ट है वो जारी किया। वहीं UGC नेट 2023 का परिणाम भी घोषित हुआ है। आप सभी जानते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट परीक्षा दिसंबर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल है वो अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट जो है उस पर देख सकते हैं, और यह परिणाम आने के साथ अगली प्रक्रिया भी तेज़ी से चलेगी। जो अगली तैयारी है, जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है वो मेहनत करें और अगली तैयारी में हिस्सा लें। कट ऑफ के फेरबदल में ज़्यादातर अभ्यर्थी हुए परीक्षा से बाहर। PET की वैधता अवधि 5 वर्ष किए जाने की मांग। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा पेट में शामिल होने के लिए श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित न होने से अभ्यर्थी बाहर हो जा रहे हैं, और यह दुखद भी है, सही भी है कि उसकी वैलिडिटी 1 साल रखती गई है। 1 साल में कोई परीक्षा नहीं हो जाती। आप जानते हैं कि पिछला जो पेट हुआ है उसकी परीक्षाएं चाहे जो हों, लेकिन नए वाले पेट में 22 वाले में अभी तक कोई परीक्षा नहीं कराई गई है, जबकि ये आप देख लीजिए अप्रैल लास्ट होने को आया है, तो पूरा साल ऐसे ही बीत जाएगा। एक परीक्षा करा करके इन्होंने पेट की छात्रों को बिद्दू बना रखा है, तो इस छात्र नाराज़ हैं इस बात को लेकर के। और प्रतिवर्ष के चक्कर से छुट्टी और एक कटाव दोनों की मांग जो है लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार परीक्षा दे रहे हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टोटली बाहर हो जा रहे हैं कट ऑफ ना होने की वजह से। इस वजह से कट ऑफ आवश्यक है। हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करेंगे कि आप इस माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि यह सूचना आगे भी पहुँचे और CMG कुछ इस पर निर्णय ले सकें। वहीं बिहार में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स इसी वर्ष से शुरू हो रहा है। कोई संरचना पाठ्यक्रम के लिए बनेगी कमेटी, विभाग के अफसरों VC संघ राज्यपाल की बैठक। इस साल से विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स शुरू होगा। गुरुवार को राजभवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह बात कही गई। तो यह एक बड़ा बदलाव है, 4 वर्षीय जो आपका ग्रेजुएशन है वह अब शुरू हो गया है बिहार में भी, और UP में भी अभी चुनिंदा जगहों की बात थी, और जल्द ही UP के बहुत से विद्यालय विश्वविद्यालय सब में जो है ये व्यवस्था लागू की जाएगी और जो है 4 वर्षीय कोर्स शुरू हो जाएगा। वहीं देश में कोरोना के 10,000 से ज़्यादा नए मामले आए हैं सामने। 8 माह में देश भर में दर्जन भर से सबसे अधिक मामले आए हैं। 44,000 के पार पहुँचे हैं सक्रिय मरीज। तो आप देखिए, यहाँ थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप हाथ वगैरह मिलाने से बचिए और सुरक्षित रहिए, अपने आप को बचा के रखिए। चाहे भी जैसे आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो समस्या भविष्य में बढ़ती जाएगी और बढ़ जाएगी। कोरोना अब हम लोगों के साथ ही रह रहा है, और इससे बचने का यही तरीका है कि सुरक्षित रहने के लिए आप जो है कुछ चीज़ों को अवॉइड करिए। वहीं देखिए, दिया है UP में 7 माह बाद मामले 500 के पार इस समय है। मतलब UP में भी 500 के पार है, 9 मामले आपको प्रयागराज में भी दिखाई दे रहे हैं, तो इस नाते आप इस चीज़ को ध्यान रखें। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर ठूस पड़ौली जनपद कुशीनगर से यह देखिए, बालिका विद्यालय जो आवासीय होता है उससे वैकेंसी निकली है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्टेड हों, इसमें रेगुलर इरेगुलर दोनों वैकेंसियां हैं, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और फॉर्म भर करके जो इसकी प्रक्रिया है उस पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। मित्रों, आज जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की
जयंती है, तो आप सभी मित्रों को बाबा साहब को स्मरण करना चाहिए और ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।